हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यावेस एकेडमी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का एक पोएटिक फीचर जिसे कहते हैं सिसोरा। सिसोरा ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के अंदर काफी यूज किया जाता था और ये इसका एक मेन पोएटिक फीचर था। तो चलिए जानते हैं सिसोरा क्या होता है। सिसोरा होता है एक ब्रेक बिटवीन वर्ड्स विद इन ए मेट्रिकल फुट। एक मेट्रिकल फुट के ऊपर या कुछ दूरी पर एक लाइन को बीच में से वर्ड्स को एक लाइन के वर्ड्स को बीच में से तोड़ देना, उनको बीच में ब्रेक लगा देना और फिर दोबारा सेंटेंस को कंटिन्यू करना, इसे सिसोरा बोला जाता है। इसे हम कह सकते हैं एन इनकम्प्लीट लाइन भी बोल सकते हैं, जैसे कि ए पॉज बिटवीन ए लाइन और कास्ट बाय ए कोमा और ए नेचुरल पॉज। अगर लाइन के बीच में कोमा लगा दिया जाए, एक नेचुरल पॉज लगा दिया जाए या फुल स्टॉप लगा दिया जाए या डॉट 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 लगा दिया जाए तो वो एक सिसोरा का एग्जाम्पल हो जाता है। और कॉमनली जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री है उसके अंदर इस साइन से इसको डिनोट किया गया था, इंडिकेट किया जाता था। इट ब्रेक्स अप द रिदम ऑफ ए लाइन, ये लाइन के रिदम को तोड़ देता है सिसोरा। अलाइन वेरिएशंस, वेरिएशंस आ जाती है इससे लाइन में। एंड एड एम्फेसाइजेस टू द वर्ड दैट फॉलोस पॉज, और जो उसके जो पॉज के बाद में जो वर्ड्स आते हैं उन पे एम्फेसाइज करता है, उस पर जोड़ देता है। तो इस तरह से हम इसका आगे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो इसका एग्जाम्पल है जैसे इट इज फॉर यू वी स्पीक। ये इसके बाद में एक कॉमा लगा दिया या इस तरह के ये साइन लगा दिया तो ये सिसोरा का यूज हो गया। नॉट फॉर आवर सेल्फ, मतलब जो ये लाइन है उसके अंदर ये बताया गया है कि हम तुम्हारे लिए बोल रहे थे ना कि अपने लिए। नॉट फॉर आवर सेल्फ भी ज्यादा जोर देने के लिए सिसोरा का यूज हुआ है। तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री के अंदर जो सिसोरा यूज किया जाता था उसका मेनली कारण यही होता था कि जब कोई जो पोएट था वो अपनी किसी बात पे एम्फेसाइज करना चाहता है, उसमें थोड़ी टेंशन क्रिएट करना चाहता है या अपनी बात पे ज्यादा जोर दे करके अपनी बात को कहना चाहता है तो उसके लिए सिसोरा का यूज होता था। तो इसके लिए या तो डॉट 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 लगा दिए जाते थे या फिर इस तरह का साइन लगा दिया जाता था या फिर कॉमा का यूज किया जाता था। तो ये सिसोरा होता है जिसका ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में काफी यूज होता था और ये इसका एक मेन पोएटिक फीचर रहा है ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का। आप कोई भी पोएट्रिक वर्क जो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का है, जैसे बियोवुल्फ हो गया या कोई भी वर्क आप उसे उठा लीजिए, उसके लाइंस को पढ़िए, इनके बीच में आपको सिसोरा का यूज जरूर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर हमारा जो पोएटिक फीचर का है वो खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और ये जो सिसोरा है इसके बारे में इसका पीडीएफ आपको नीचे लिंक में दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।